सुना कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं इस तरह से, देखिए है ना, इसमें ये जो है एक 12 सेंटीमीटर है ये वाली और एक 7 सेंटीमीटर है। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि इस त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर वाली भुजा पर घुमाया जाए, यानी 12 सेंटीमीटर भुजा को स्थिर रख के इसके चारों तरफ ऐसे घुमाया जाए तो एक शंकु का रूप ले लेगा ना, याद है ना चैप्टर की शुरुआत में ही आपको बताया गया, ठीक है, इस तरह से एक शंकु बन जाएगा। तो इसी शंकु का जो होगा आयतन निकालना है आपको, इस शंकु का आयतन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अब आपकी त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर है ना और ऊंचाई हो गया 12 सेंटीमीटर, तो आयतन ही निकल जाएगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, 1/3 22/7, आर की जगह पे क्या लेंगे 7 × 7 और एच की जगह पे 12 cm³, 7 से 7 गया, इस 3 से इसको काटेंगे 4 बार में, चलिए ये गुना कर देंगे 22 × 7 = 154 में 4 से करेंगे तो आ जाएगा 616 cm³, यहां से आयतन आ जाएगा, समझ गए।